राधे राधे। अब आप सब गोवर्धन पूजा का असली अर्थ सुनिए। श्री कृष्ण के अवतार काल में उनके पिताजी और नंदगांव में सभी इंद्र, सुरपति इंद्र की पूजा करते थे कि अगर इंद्र प्रसन्न हैं तो अच्छी वृष्टि होगी और उसके बिना तो कैसे काम बनेगा। तो हर साल उसी समय इंद्र की पूजा होती थी। लेकिन श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कई बार, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, अनन्यचेता सततम् इत्यादि अनेक स्थलों पर श्री कृष्ण ने कहा कि अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी। तो श्री कृष्ण के प्रति हमारी अनन्यता होनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण परब्रह्म हैं। अगर कोई उनकी भक्ति करें तो बाकी सब प्रसन्न हो जाते हैं अपने आप। इंद्र तो श्री कृष्ण की शक्ति पाके अपना काम करते हैं, तो अगर श्री कृष्ण को छोड़ के हम इंद्र की पूजा करें तो फिर श्री कृष्ण की भक्ति नहीं हुई, या आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली हुई है, लेकिन हमको वही फल मिलेगा, सुरपति इंद्र वाला फल मिलेगा, श्री कृष्ण भगवान वाला दिव्य फल नहीं मिलेगा। इसलिए हमको सीधे श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। सबको यह रहस्य सिखाने के लिए श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कर दिया और अपने ही दूसरा स्वरूप गिरिराज महाराज, गोवर्धन महाराज, जो श्री कृष्ण का ही अभिन्न स्वरूप है, उन्हीं की पूजा करवाया ब्रजवासियों से, और इस लीला के द्वारा सबको सिखाया है कि मुझे डायरेक्ट भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मेरे अंश और ये देवी देवता स्वर्ग वाले जो खुद माया के अंडर में हैं उनकी भक्ति न करो। यथा तरोर्मूलनिशे चनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजो पशाखा। भागवत में भी कहा गया है कि मूल को पानी दो, आप पत्तों पर ऐसे पानी क्यों दे रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। अगर मूल को पानी, मूल में पानी डाल दो तो श्री कृष्ण मूल हैं, बाकी सब पत्र पुष्प वगैरह हैं। तो श्री मूल स्वरूप श्री कृष्ण की भक्ति करो सीधे। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने सुरपति इंद्र का मद को निकाल के गोवर्धन पूजा कराया, और जब इंद्र ने गुस्सा किया तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया और सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन यानी श्री कृष्ण की शरण में आके इंद्र से बच गए। तो ये संक्षेप में गोवर्धन पूजा का असली अर्थ है कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करो। जय श्री राधे।